आवाज आ रही है बेटा मेरी? अच्छा हमसे जी सर आ रही है। बेटा आज ना हमने देखना है जो FIR, ठीक है, सेक्शन 154। तो आपको पहले मैं बात बताता चलूँ, तो मुझे बेटा बात की कि इस कहते हैं आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, सेक्शन 154 CRPC, ठीक है। और इसके बाद जो है उसकी जो है आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 22A सब सेक्शन 6 और जो है पुलिस रूल 24 सब रूल 1। इसमें जो पुलिस ने ना ये क्या करनी होती है, ये बात याद रख लेना कि व्हेन एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉग्निजेंट ऑफेंस हैज बीन रिसीव्ड टू द पुलिस पार्टी देन द सच पुलिस ऑफिसर इज अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन टू लॉज द FIR। मजागी को तब आपकी पहला प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि जब भी आपका कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस व्हिच हैज बीन कमिटेड एंड द इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड टू द पुलिस पार्टी एंड द पुलिस पार्टी इज बाउंड टू लॉज द FIR एज पर द प्रोविजंस और रूल्स व्हिच आर लेड डाउन इन द सेक्शन 154 CRPC। कि जब भी किसी पुलिस को ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती है किस चीज की, किसी कॉग्निजेबल किस्म कहते हैं काबिल दस्तंदाजी ऑफेंस की, तो वो पुलिस पार्ट जो है वो क्या है लीगल बाउंड है कि वो क्या करे उस सिटीजन की, उस शहरी की जो वो अक्रेंस है उसको क्या करे इस रजिस्टर में लॉज करे और इसको एक फॉर्म में, इस फॉर्म का नाम क्या है FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे अगर कोई आपसे पूछे कि मीनिंग FIR का मतलब क्या है, तो आपने कहना है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, टाइम, ठीक है। और आप याद रखिएगा इसको हम क्या कहेंगे, ये जो ये इंफॉर्मेशन होगी जो आपकी पुलिस को देते हो हम उसे कहेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि ऐसी रिपोर्ट जो आप क्या देते हो पुलिस पार्टी पुलिस को देते हो अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस टाइम जो, और वो होती कौन सी है कॉग्निजेबल, जिसको कानून क्या कहता है कॉग्निजेबल, सेक्शन 154 में इसका जिक्र करता है। अच्छा जो 155 में है ना वेदर जो आपके ऐसे ऑफेंसेस जो कि नॉन कॉग्निजेबल है उसमें पुलिस डायरेक्ट FIR लाजमी कर सकती अंटिल अनलेस द परमिशन हैज बीन टेकन बाय द नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और द जुडिशरी या सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, जब तक उसको प्रोटेक्शन ना दे या इलाका मजिस्ट्रेट परमिशन ना दे तो उस टाइम तक जो है आपकी FIR वो लॉज नहीं कर सकता। तो मैं आपकी बात की, अच्छा तो आपको पहले बता चुका हूँ कि FIR के कॉलम कितने होते हैं 6, ठीक है, FIR के कॉलम कितने होते हैं 6। अच्छा अब बेटा अगर आपने लिख रहे हैं ना पहली बात क्या होनी है नंबर ऑफ FIR, यानी कि आप कहते हो 310/16 या 310/20 310/18, इसका मतलब ये होता है FIR जो रजिस्टर है ना FIR रजिस्टर उसमें जो नंबर है ना FIR का वो 310 है और बटा 18 का मतलब ये है कि 2018 में ये लॉज हुई है। समझ आ गई बात की, ये कब लॉज हुई है, यानी कि आपकी ऐसी FIR सपोज कोई जो नंबर है ना वो उसका सीरियल नंबर शो करेगा और जो बटा होता है वो ये होता है कि इस ईयर में उसको लॉज किया गया। समझ आ गई बेटा बात की। उसके बाद नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो ये मैं आपको इंफॉर्मेशन जो फॉर्म है आपका FIR उसके बारे में बता रहा हूँ कि उसके बाद क्या होती है आपकी पुलिस स्टेशन का नाम होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट सपोज अगर झांग है तो झांग होगा, अगर फैसलाबाद है तो फैसलाबाद होगा, थाने के साथ लिख होता है। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस जो मेन चीज़ होती है तारीख वक्त वकूआ, अगर आपको याद है तो अगर आपके पास FIR है तो उसको शुरू में लिख होता है, क्या लिख होता है कि इस दिन को जो है वो ये अकरेंस है जो हुई है। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट और इस दिन को जो ये रिपोर्ट क्या हुई है FIR लॉज की गई है इसकी हमें मिली है। अब इसकी और इसका जो दौरान डिले होता है ना इसका ये बहुत बड़ा मैटर होता है और ये चीज़ें अक्सर प्रैक्टिस में सवाल ये पूछा हमें कितना डिले है, यानी कि अगर आज आपकी अकरेंस हुई है ना आज आपकी अकरेंस हुई है और उस अकरेंस से लेके आपकी 10 दिन अगर पुलिस FIR लॉज नहीं करती तो ये डिले होगा, डिले इन लॉजिंग ऑफ FIR, और इसका फ़ायदा आलमोस्ट किसको होता है आपकी अक्यूज पार्टी को होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि नेम ऑफ रेजिडेंट जो आपका इंफॉर्मेंट जिसने इंफॉर्मेशन दी जो आपका कंप्लेनेंट है उसका मुकम्मल जो है नाम पता एड्रेस वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके साथ ही बेटा नेक्स्ट जो उसमें आपने लिखनी है कि आपने जो है अकरेंस के बारे में शॉर्ट जो अकरेंस है आपकी उसके बारे में, ये तो आप देखो ना
टोटली फैक्ट्स जो है आपके एफ आई आर जो आपके साथ हुआ है कि पहले दिन क्या हुआ, आपकी दुश्मनी, आपके आवाज, आप उसमें सारा कुछ नहीं लिख सकते। ये जैसे कल हम बात करते रहे, ये कर रहे थे, ये जस्ट थ्रू आउट, तो आपने जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ योर अकरेंस, ठीक है। तो डिटेल, सपोज हम कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी थी, ये चुराई गई, ठीक है। तो जैसे अब ये नहीं कहना कि ये प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन बताने शुरू कर दो, ठीक है, कि मेरी, मैंने उसने पैसे दिए थे तो मैंने इससे ये अपनी मोटर बाइक परचेज की थी, अब्बाजी ने मुझे ईदी दी थी तो मैंने ईदी कट्टी करके बाइक की, नहीं ये आपने नहीं लिखना। आपने जस्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, किसकी डिटेल ऑफ ऑफेंस आपने क्या लिखना है। कोई अगर आपकी डिटेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, आपने जस्ट उसका जिक्र करके आगे चल पड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना बेटा, जो डिस्टेंस है बिटवीन द पुलिस स्टेशन एंड अकरेंस, प्लेस ऑफ अकरेंस, जो आपकी प्लेस ऑफ अकरेंस में और जो उसकी सीमत है, यानी कि अगर आपके कॉलम पढ़ोगे जिसमें एफ आई आर में कॉलम होता है, ठीक है, कि जिसमें लिखा होता है जाए वकू थाने से जाए वकूत का वक्त और फासला और सीमत, तो बकायदा लिखे होते हैं 14 किलोमीटर मशरक या मगरब या शुमाल जुनूब जो भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा एक याद रखिएगा, तो जो डेट होती है ना, जिस दिन वो थाने से रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है, ठीक है, होती है थाने वाले प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं, तो उसकी डेट अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर होते हैं आखिर में, ठीक है बेटा। उसके बाद जो शख्स उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है उसका नीचे नाम होता है, ठीक है, जो यानी कि एफ आई आर लिख होता है कि फिलहाल ऑर्डर या ASI या जो चीज़ होती है, समझ आ गई बात की। हर बात जो है आप देखते हो कि अगर हेड कॉन्स्टेबल है उसने एफ आई आर लॉन्च की है तो बकायदा वो अपना लिखेगा। उसके बाद अगर आपकी ये तो बातें आगे ना प्रैक्टिस की, ये फॉर्म जो मैं बता रहा हूँ एफ आई आर के 6 कलम की जो आपने कर पढ़ना है उसमें ये बातें लिखी होती हैं, समझ आ गई बेटा बात की। उसके बाद कोई भी शख्स जिस किसी अकरेंस हुई है ना, वो जाके ओरली या रिटर्न जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है उसके सामने क्या कर सकता है, बोल सकता है, क्या कर सकता है, बोल सकता है। वो पाबंद है कि उसको क्या करे, लिखे, लिखने के बाद उसको पढ़ के सुनाए और उसको कहे कि क्या ये सच्ची है या झूठी है, आपने ऐसी मुझे स्टोरी लिख के बताई है, तो आपका जो हृदय होगा वो या तो रिटर्न फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, किसी से लिखवा के चला जाए तब उसकी मर्जी, या वहाँ पे जाके लिखवा दे, तो वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसको क्या करे, राइट डाउन लिखे। अब आपको पता है कि ये बन चुके हैं आपके कंप्यूटर सेंटर, आपकी ये आ चुके हैं डेस्क बन चुके हैं हर थाने में, तो वहाँ पे जाके लोग अक्सर लिखवा भी देते हैं, नहीं तो जो 1 in 10% प्रैक्टिस है लोग अपनी एप्लीकेशन लिखवा के जाते होते हैं, समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद किसी भी टाइम आफ्टर द अकरेंस जब आपको ये डिटरमिन हो जाए कि ये जो है ना आपका जो ऑफेंस है ये कौन सा है, कॉग्निजेबल है, उसके बाद किसी भी टाइम पुलिस जो है वो क्या कर सकती है, आपकी जो है एफ आई आर उसको लॉन्च कर सकती है। फिर लोग पूछते हैं क्या एक अकरेंस की सेकेंड एफ आई आर हो सकती है, हाँ हो सकती है, ये बात याद रखी है, ठीक है, कि जो है एफ आई आर ऑफ सेम अकरेंस इज नॉट बार्ड, इसके नंबर ऑफ द जजमेंट्स हैं, ठीक है, अगर इसको आपने देखना भी है तो ये चीज़ें यानी कि आपको मिल सकती है कि अगर एक अकरेंस हुई है तो उसकी जो सेकेंड एफ आई आर है वो भी हो सकती है, यानी कि उसका क्रॉस वर्जन भी हो सकता है, समझ आगे बात की बेटा। अब तू दरियास में तुला घूम लो और मुझे भी दिखा लो, ताकि मेरी ये जो है ना मुझे पता है दरिया में घूम रहे हो। अच्छा, इसमें नेक्स्ट बेटा आ गई बात कि जो आपका ये एफ आई आर है ना, जो आपने स्टोरी एफ आई आर में लिखवा दी है उसकी बुनियाद पर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो क्या है मुलजिम है, वो क्या है भला मुलजिम है या मुजरिम है, until unless that is proved by the court, समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, उसके बाद जो ये है आपका आपका एफ आई आर, समझ आ गई बात की, तो ये याद रखिएगा। That cannot be तो इसमें ये बात तो उसने लिखनी है, ठीक है। तो अगर आपके एफ आई आर नहीं होती, अगर कोई बंदा आपको पुलिस ऑफिसर क्या करता है आप एफ आई आर नहीं होती, तो आप उसकी SP लेवल पे आप या DSP को क्या दे सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो। पहली रेमेडी है आपको इन नॉन लॉजिंग ऑफ एफ आई आर में क्या कर सकते हो, एफ आई आर जो है उसको अपने उसकी जो हायर अथॉरिटीज हैं उसको एप्लीकेशन दे सकते हो। उसके बाद आपको बता चुका हूँ कि बेटा कि आप पिटीशन भी फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 22A(6), ठीक है। तो अब अगर कोई एफ आई आर के बारे में बात पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह, आप एफ आई आर के बारे में बात पूछें, मैं आपको जवाब दूँ। एक थीम आपको देना था एफ आई आर के बारे में,
ये इतनी सारी बातें आपको बता दी, अब आपको कोई बात अगर है तो आप जी उसमें। अच्छा, अगर आपका ऑफेंस है ना नॉन कॉग्निजेबल, तो 155 सीआरपीसी में पुलिस क्या करता है, उसको डेली डायरी रजिस्ट्रेशन कहते हैं, रोज नामचा, उसमें रोज नामचा एंटर करके ना अपने मुतल्लिका इलाका मजिस्ट्रेट को डिप्टी सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म करेगा, और साथ ही आपको रपट की जो है वो जो आप रपट दर्ज करवाओगे उसकी कापी आपको, उसका नंबर आपको दे देगा। जी बेटा, अब अगर किसी ने कोई बात पूछनी है। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी, ये सेकंड एफआईआर को बता दें थोड़ा सा आइडिया। मैं कह रहा हूं बेटा, जो है ना रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड एफआईआर, ठीक है, इन द सेम अकरेंस इज नॉट बार्ड, ठीक है, तो द सेकंड एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड अबाउट वन अकरेंस, समझ आगे बात की, रिगार्डिंग द सेम ट्रांजैक्शन। जब आपकी एफआईआर आ जाती है ना, एक सपोज आपने, आपको मारा फातिमा ने, ठीक है, आपने, आप भी मजरूब और वो भी मजरूब, या सपोज आपको कोई और इंस्टेंस, आप फातिमा की जो इंजरी थी उसने एमएलआर करवा के बिस्मिल्लाह पढ़ के आप एफआईआर लाज करवा दी, अब आप बच गई, अब आप भी कहते हैं मैं उसी अकरस में आपको भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता था, तो अब फातिमा की जो एफआईआर का नंबर था ना वही चलेगा, अब यानी कि 310 जैसे मैं कह रहा हूँ उसकी एफआईआर लाज होगी, तो आपको जो वर्जन रिकॉर्ड किया जाएगा नंबर वही चलेगा, लेकिन आपकी जो होगी वो एफ आई आर जो आपने एप्लीकेशन दी होगी तो उसको भी उसके खिलाफ पड़ जाएगी और वो सेकंड एफ आई आर होगी। आप सेम मतलब सर, तो फिर दोनों एफ आई आर का आगे से क्या प्रोसेस होगा अगर दो एफ आई आर? जी, तो उसका आपका चार्ज सेपरेट फ्रेम होगा, उसका चार्ज सेपरेट फ्रेम होगा, उसको आप अपने के बाद जैसे आपकी एफ आई आर होगी आप उसको प्रूव करोगे, वो अपने एफ आई आर को प्रूव करोगे। ओके सर, ठीक है ना बेटा। Yes sir, thank you so much sir. Class variant बोलते हैं बेटा practice में, class variant मेरा भी हो गया है, class variant फिर कल को माला कह रही थी सर मैं गई थी बातें कचहरी में हो रही थी तो मैंने आगे कह ली थी, तो क्रॉस वेरियंट मैंने बता दिया कि सेम अकरंस का क्या हो सकता है, क्रॉस वेरियंट हो सकता है सेकंड एफ आर हो सकती है। यस सर। जी बेटा, और ओके सर, थैंक यू सर। मोहम्मद अवैस, आपने कोई बात पूछनी है? रोल नंबर 33 मोहम्मद अवैस, मोहम्मद अदील, आप जी। नहीं सर, सर कोई। इसके बाद और अली अजहर मान साहब, क्या हाल है? हारून अनीफ, आप जी। ठीक सर, आप सुनाएं। अब्दुल्ला, आपने कोई बात, कोई सवाल, आपने क्वेश्चन, किसी चीज को समझना है? नहीं सर जी, क्लियर हो गया सारा ही, जज़ाकअल्लाह। और जी कोई बात बेटा? इफ्रा, आप तो की बेटा, आपने कोई बात पूछनी है? नो सर, आगे समझ थारी सर। 154 के बारे में कोई बात पूछे तो पूछ। नो सर, आगे समझ। जी सर, आगे ये समझ। कितनी बात है? जी सर, एफआईआर के कॉलम कितने होते हैं? आपने नूरी लाई केस पढ़ा था? अच्छा, और ये बात याद रखिएगा, सवाल अक्सर ये भी पूछते होते हैं, वेदर एफआईआर कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, तो आपने कहना है कि नो, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, बिकॉज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर इज टू कम to put the law into motion, या law machinery, या जो आपकी ये law enforcement agency होती है ना, उसको यानी कि run करने के लिए, उसको चलाने के लिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप FIR लॉज करते हो, और याद रखना ये जो आपकी FIR है, that can be used as a dying declaration, ठीक है, और आपको पता है अगर कोई false FIR लॉज करवा देता है, झूठी FIR, तो 82 वाला कलंदरा, वो भी आपने सुना होगा कि कलंदरा पुलिस ने डाल दिया है, बात यह है कि जब ये बात साबित हो जाए कि झूठी एफआईआर है,
तो आपके खिलाफ भी क्या होगी, 82 लग जाती है 182 पीपीसी जी। और कोई बात सर? मैंने एक जगह पढ़ा है वहाँ लिखा हुआ था कि मर्डर वेपन जो है वो भी नहीं बताना चाहिए आपको खुद एफआईआर में, और दूसरा ये भी नहीं बताना चाहिए कि डायरेक्शंस जो है वो नहीं मेंशन करनी चाहिए आपको। किसने कहा आपको? मैंने एक लेक्चर सुना था सर, मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगी ये बात, वो कह रहे थे कि बाद में केस खराब करता है। नहीं गलत है, कि विटनेसेस जो है उनको भूल जाता है, हमने कौन सी डायरेक्शन बतानी। गलत बात जो आप कर रहे हो, हर चीज बतानी चाहिए आपको। तो कहता उस पिस्टल का नाम बताना चाहिए जो आप देखो, जो आई विटनेस है उसको तो हर चीज बतानी चाहिए ना बेटा, जो कहे कि हां। पर एक बात है, जो बंदा मर रहा है उसको उसको इतना ही ध्यान है कि वो मर्डर वेपन भी देख रहा हो कौन सा पिस्टल से मार रहा है। मर गया, मरने वाला तो मर गया ना। आप तो कंप्लेनेंट आपने बना है ना, मरने वाला तो मर गया, अब उसको मुदई की और बनेगा, उसको गवाह भी और बनेगा। सर ये वैसे आपको नहीं लगता कि ये स्टोरी सुना रहे होते ज्यादा, तो उस टाइम पे कौन इमोशनली इतना बैलेंस वे में बता सकते हैं? अगर आप सुन ले, मैंने आपको कहा था कि 98% जो होती है 98% जो करती होती है। अच्छा तो फिर हम वकील किस बात की, हमने वकालत कर किस चीज के लिए लेने पैसे? हां जी यही तो बात है, पहले एफआईआर में ना बताएं बाद में ये चीजें करें, ये नहीं गलत बात है। ये नहीं नहीं जो सही है सही लिखना चाहिए, लेकिन अगर पुलिस वाले अगर आपके साथ करते हैं ना जाती तो 177 पीपीसी और 218 भी आप पढ़ लीजिएगा। समझ आ गई बेटा बात? 177 पीपीसी, हाँ जी ठीक है। उसके बाद इसमें एक और सेक्शन भी एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 500 पीपीसी। अगर आपके खिलाफ कोई डिफेम करता है, आपके खिलाफ कोई झूठी स्टोरी लेके आता है ना बेटा, तो उसके खिलाफ आप अंडर सेक्शन 500 पीपीसी उसके जो है। अच्छा अगर आप समझते हो ना बेटा कि आपकी एफआईआर गलत हुई है, तो उसके खिलाफ रेमेडी कौन सी आपके खिलाफ? प्राइवेट कंप्लेंट में चले जाएं। ना ना अगर आपकी एफआईआर गलत गलत ला दी, एफआईआर भी एक होता है ना। हां क्वेश्चन ऑफ एफआईआर 561 ए सीआरपीसी, कौन सा जी? 561। अगर आप समझते हो कि मेरे खिलाफ एफआईआर लाज गलत हुई है, तो आप फिर कहां पे जाओगे? 561 समझ आ गई सीआरपीसी में, समझ आ गई। उसके बाद आपको ये बता दूं, अगर आपने ये समझना कि when the accused is involved falsely by the prosecution or complainant, the on the other side, अब ये बातें आपने लिखनी है तो लिख लो 169 सीआरपीसी, ठीक है। जो रेमेडीज अगर आपको झूठा तौर पे जो लिखा गया है ना, ठीक है, उसके बाद आपको बता दिया जो है 561, उसके बाद 190 क्या कहते हैं 63, 249 से 265 के, ठीक है। और पुलिस रूल जो है ना 1934 का जो है रूल 27, रूल 24 का सब रूल 7, तो ये अगर आपके खिलाफ समझते हो कि मुझे फालसली जो है इसमें शामिल किया गया, तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो? एफआईआर जो है कौन सा आपके पास? पुलिस रूल 1934, आपका रूल 24, उसका सब रूल 7, तो इसमें जाके आप ये चीज़ें क्लेम कर सकते हो कि मुझे जो है वो झूठा, यानी कि या तो आप क्वेश्चन में जाओगे ना, ठीक है, क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में आप नहीं गए तो आपके पास 169 में भी है, ये बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होता है, ये काफी मैंने आपको बताया था। उसके बाद 63 मैंने आपको बताया था, उसके बाद 190 और 249 ए 265 के सीआरपीसी, समझ आ गई बात की, और 24 और रूल 7, तो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब आप समझते हो कि आपको क्या किया गया, गलत एफआईआर ला दी है फालसली झूठा मुकदमा आपके खिलाफ, ये रेमेडीज आपके पास है नहीं। सर जो क्वेश्चनमेंट है ये बेल करवाने के बाद फाइल करनी पड़ती है? हाँ जी, जो क्वेश्चनमेंट के लिए हम जाते हैं तो पहले बेल करवानी पड़ेगी उसके लिए? नहीं, इसमें दो होते हैं, जो हमारे जो बुजुर्ग वगैरह है ना, देखो बेटा यहाँ पे मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ, वो प्रेयर लिखते हैं ना, प्रेयर, वो प्रेयर लिखते हैं तो स्टॉप द प्रोसीडिंग्स लाइक इन्वेस्टिगेशन, कि जब तक मेरी क्वेश्चनमेंट पिटीशन का फैसला नहीं हो जाता उस टाइम तक इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दिया जाए। तो यहाँ पे बात आ जाती है सेक्शन 56, समझ आगे बात की, किसका भला? एसआरए का, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। तो वहाँ पे अगर आप पढ़ोगे जहाँ पे, वहाँ पे बातें लिखी हुई हैं कि अगर ये बातें होंगी, ये इंस्टेंसेस होंगे, तो कोर्ट स्टे ग्रांट नहीं करेगी, तो स्टे जो कोर्ट है वो स्टे ग्रांट नहीं करेगी, यानी कि आपके इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोका जाएगा, उन प्रोसीडिंग को नहीं रोका जाएगा। जब वो प्रोसीडिंग नहीं रोकी जाएंगी तो ऑफकोर्स उन्होंने गिरफ्तार तो आपको करना है ना, तो बेटा आपने जाके क्या करना है फिर? आपने बेल तो करवानी करवानी है ना। सर एक और सर, इसमें आपने 561 बताया ना क्वेश्चन का, सर उस पे लिखा हुआ है कि रिपील बाय ऑफेंस ऑफ काजी, हां जी एनफोर्समेंट ऑफ,
तो उस पे लिखा हुआ है कि रिपील बाय ऑफेंस ऑफ काज एनफोर्समेंट ऑफ अदर ऑर्डिनेंस 8 ऑफ 1979 बेटा मैं इससे दे 5 से दे उसको चेक करो है तो इनहेरेंट पावर वाला जी जी इनहेरेंट पावर 5 से काम देखो कौन सा वाला ये ही है इनहेरेंट पावर वाला ठीक है यस सर 5 से 5 से 5 से 1 से 1 यस सर जी जी इसमें नीचे आओ इस कमेंट्री में देखो आपको जजमेंट्स मिलेंगी तो एक क्वेश्चन ऑफ एफआईआर के नाम से हेडिंग होगी ओके सर मिल गई सर कमेंट्री नहीं अभी वो बेर है क्या चलो इसके बाद 551 पढ़ना 551 सर वो है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस इसमें भी ये एफआईआर क्या कर सकता है गलत कर सकता है 561 ए 551 या भी ये लिख लो जब आपके खिलाफ गलत एफआईआर हो ना जी आपके खिलाफ गलत एफआईआर हो 561 ए 551 इसके बाद 169 63 यस सर 190 यस सर यस सर 249 ए यस सर 265 के CRPC. Yes, sir. और पुलिस yes, रूल 1934 पुलिस रूल 1934 रूल 24 सब रूल 7 यस सर ठीक है व्हेन एनी अक्यूज ये बात किसके बारे में है व्हेन एनी अक्यूज दिस फॉल्सली इट्स अ फॉल्स एफआईआर है तो उसको क्वेश्चन करवाना फॉल्सली इन्वॉल्वड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ठीक है और इन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में जो था उसको झूठा मुकदमा उसके खिलाफ तो ये रेमेडीज आपको बता दी फिर ये ना कहना कि हमें किसी बताएंगे यस सर उसके मुकदमे के खिलाफ नहीं सर याद रहेंगे जी यस सर और जी कोई बात बताओ एफआईआर के बारे में कोई बात पूछ लो आप जल्दी करो सर एफआईआर एज अ डाइंग डिक्लेरेशन इसका थोड़ा बता दें एफआईआर कैन बी यूज्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यस सर तुम राज की बात की हाउ सर हाँ जब आप बंदा दे देता है आपको इसमें जो नई डिक्लेरेशन क्या होती है सर बंदा मर रहा है वो जाते जाते कहता है कि मुझे इसने मारा मुझे ये हो गया मुझे वो हो गया हाँ, वो जो आपकी एफआईआर है वो क्या हो सकती है उसको एज आप डाइंग डिक्लेरेशन यूज कर सकते हैं उसको बाद में कोरोबोरेट कर सकते हैं सर कंटेंट प्राइमरी एविडेंस आप उसको क्या होता है एज आप उसको ले सकते हैं ओके सर और कोई बात है तैयार की नो सर इट्स ऑल क्लियर जी नो सर क्लियर हो गया और सर ये भी सुनना था कि जो पुराने चालान होते थे ना पुराने टाइम्स में तब उसके अंदर एक कैफियत का कॉलम होता था उसमें पुलिस वाले बताते थे कि हमें क्या लगता है कोर्ट को कि ये बंदा मुल्ज़िम हो सकता है या नहीं कहते अब वो खत्म कर दिया है अच्छा मुझे आप बाई फेस होते तो मैंने आपके ये चेहरे पे ये जो आप रखते हैं आप बता रहे हो मैं तो नहीं कहता कि आपको ये सूट करती है आप जैसा बंदा पढ़ा लिखा है ऐसी बातें करे कच्ची बातें लिखिए बिस्मिल्ला पढ़ के 2002 SEMR पेज 1586 और इस पे जो आपके आर्टिकल है ना QSO के आर्टिकल 140 और 153 आप कानूनी शहादत ये हिट करेंगे ठीक है जी समझ आगे बात की अब आगे चलूं जी उसके बाद आप जजमेंट लिख लें PLD 2002 लाहौर PLD 2002 लाहौर पेज 110
ये आपको बताएगी ये वाली जो जजमेंट है ना PLE 2002 लाहौर पे 110 डबल बेंच और ये FIR और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बारे में बताएगी। ये सवाल अक्सर आता होता है डिफाइन एंड डिफरेंशिएट द FIR एंड सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं तकीमा बयान। समझ आ गई बात की? यस सर। आप इनकी तस्वीर व्हाट्सएप कर सकते हैं जजमेंट्स की? जी तस्वीर मेरे पास, ये रैंडम में लिखी हुई है, आपको समझ नहीं आनी, फिर मेरे हाथ की जब मैं लेक्चर पढ़ा करते थे उसके बाद आपको नेक्स्ट जी ये इन्वेस्टिगेशन जो है ना, जब भी आपके FIR लाज होती है ना, और ये याद रख लेना FIR को हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम कहते हैं FIR हो गई है, मेरे जैसा कोई वकील होगा तो कहते कोई क्यामत आ गई। FIR को हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। FIR का मतलब ये है कि अब जो हमारी ये मशीनरी है ना लॉ एनफोर्समेंट मशीन, ये एक्शन में आ गई है और इसमें क्या काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट है 2004 MLD पेज 212। काफी है सर, लेकिन जब एक बंदे के खिलाफ FIR हो जाती है तो वो तो एक बार पुलिस का रिकॉर्ड याफ्ता हो जाता है, फिर दूसरे नंबर पे अगर आप किसी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, चाहे जुडिशरी में जा रहे हैं या CS में जा रहे हैं, तो सर वहाँ पे ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान, अगर आप उसमें एक्विटल भी हो जाते हैं ना सर, ये वहाँ पे जाके बहुत खराब करते हैं काम। लेकिन सर अगर हम बाहर प्रैक्टिस को देखें ना, तो सर वहाँ पे ये चीज नहीं पाई जा रही। अच्छा, मैंने थैंक यू फॉर सच अ गुड इंफॉर्मेशन। तो मिस्टर अदील, आपने कहना जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, ठीक है जी, कौन सा था? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 जी, ठीक है जी, तो वहाँ पे ये बात आ गई है जी, अगर आप 18 साल से कम अगर ऑफेंस कमिट करते हैं तो आपको इस बुनियाद पे अगर आपके खिलाफ FIR होती है तो आपको जनाब चार्ज नहीं किया जा सकता, आपको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो आपको नैल किया जाता है, तो आप अगर आपने ऑफेंस कमिट किया अंडर द 18 ईयर, तो आपको इस बात का सजा नहीं दी जा सकती कि आपको हर चीज के लिए डिस्क्वालीफाई कर देगा। समझ आई? पढ़ लिया करो ना थोड़ा थोड़ा, अब हर बात मैंने तो नहीं ना बतानी। एक एक्यूजेशन के बेस पे आपको एक राइट से कैसे डिप्राइव किया जा सकता है, ये बात तो समझ नहीं आती कि आपको इस बेस एक्यूजेशन के बेस पे आगे जज कर रहा हूं। भाई मैंने ये कह दिया जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में यही बात मैंने वाज़ह तौर पे कह दिया कि बेशक आपको जो उसमें तीन कैटेगरीज बताई हैं, माइनर ऑफेंस, मेजर ऑफेंस और हीनियस ऑफेंस, समझ आ गई बात की? तो उन्होंने कहा जी अगर वो जो आपका फंडर है वो अंडर द एज ऑफ इट, आप देखो ना 18 साल से जो काम है उसके लिए और क्वांटम ऑफ सेंटेंस है, अब उसके लिए और पुलिस होनी चाहिए, अब जो बालग है जिसको एक पता है तो उसको ये आज का पता होना चाहिए कि मैं अगर ये करने जा रहा हूँ तो मेरे खिलाफ ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, उसको भी तो सोचना चाहिए ना। अगर कोई बंदा जान दे रहा है किसी शख्स की कत्ल कर रहा है तो कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, फिर ऑफकोर्स उसको इतनी सजा तो मिलनी चाहिए। अब अदील को किसी ने कहा कि आप चोरी के समोसे जाके खाओ या क्लास से बैग चोरी कर लो, आपको किसी ने कहा है? आपको तो पता है कैमरे की आंख आपको देख लिया, आपने पकड़ लिया जी। सर लेकिन फॉल्स इंप्लिकेशन भी बहुत ज्यादा है ना, ये भी फॉल्स इंप्लिकेशन है जी, तो 182 भी तो है ना जी, फॉल्स इंप्लिकेशन है तो 182 भी है, ये लिख लो, मैंने आपको पहले गुजारिश की है कि 182 भी है। समझ आ गई बात की जी? जी सर। सर कौन सा जी? फॉल्स FIR 211 PPC और जो है 182 PPC, और अगर पुलिस वाले रिकॉर्ड नहीं करते तो फिर आपको पता है 177 PPC और 218 PPC। ये बातें अगर आपने पढ़ी होती आपका एक माइंड होता तो शायद आप मेरे पे सवाल ना करते, आपको ये चीज़ समझ, अगर कुछ फॉल्स करते हैं ना आपके खिलाफ तो आपके पास भी है जिसको मैं बता रहा हूँ 82। ठीक है, अब तमाम एलिगेशन विच हैज बीन अलेज्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन द FIR आर एडमिसिबल एक्सटेंड टू आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 आपको उन्होंने शहादत अगर आपको याद हो तो जी, अब मैं बताऊं इस बात को,
ऐसे नहीं जज बनते होते, बड़ा पढ़ के बेटा जज बनना पड़ता है जी। और कोई बात जी, एफ आई आर के बारे में कोई बात पूछनी हो जी आपने? ये 10th सेमेस्टर वालों को नहीं पता होगा जो मैंने आपको प्रोविजन बताई है कि अगर आपको फाल्सली जो है ये क्या किया गया है, आपको इसमें मुलविस किया गया है, तो ये पूछ लो इनसे अगर बेशक तो बैठा हुआ 10th सेमेस्टर वालों को, तो उनको भी नहीं पता होगा बेटा। हम आई एम वी आर स्टिल स्टूडेंट, नई चीज आ जाती है डेली, नया प्रूफ सामने आ जाता है जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो कोई ना कोई नई चीज आई पड़ी होती जी। और कोई सजेशन जी, बात आप कहना चाहेंगे? आप सारे खामोश, तो मेरा इम्तिहान लेना है। कोई बात करनी है जी आपने? सही हो गया सारा क्लियर? नहीं जी, अपने पोजीशन पे क्लियर उनसे पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी क्या हाल चाल है? ठीक है। सर नहीं मैं आया नहीं, सर मैं बोलता नहीं हूँ, मैं चुप करके आपका लेक्चर सुनता हूँ। नहीं नहीं सर जी, पबजी काम मेरा हल्का सा मोबाइल है, मैंने कहा आज सर को हाल चाल पूछने में बड़ा दिल किया मेरा आपकी खैरियत मालूम करने। थैंक यू सर जी। सर जी आपको भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ओके, आई विल कम टू मीट यू सर, गिव मी द टाइम। ओके सर, एनी टाइम सर, इंशाल्लाह जी आफ्टर 3 PM आई विल कांटेक्ट विद यू। आप ये अदर बात है कि आप आज नंबर बंद कर लो तो अलग बात है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपसे रابطہ करता हूं। मैंने आना आपको जरूर सर, मैं हाजिर सर जी। और कोई बात जी? क्या कहते हैं रोल नंबर 34 आज का बेटा, आपने को बात पूछनी है ये सालिया निमरा अरूज शहीदा कुरतुलैन अब्दुल्ला अली अदर मान मारुफ तमीर और ये सारे लोग, कोई कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो जी? अपना सजी के जो नूर इलाही वाला केस था कि पीएलडी 1966 है सुप्रीम कोर्ट? हाँ जी, जो नूर इलाही वाला केस है ये पीएलडी 1966 है सुप्रीम कोर्ट? पीएलडी 1966 जी सर। कौन सा केस पूछे नूर इलाही वाला सर जी? कौन सा बता रहे हो आप? जो मैं नेट से निकाला तो नूर इलाही निकाला है, पीएलडी 1966 सुप्रीम कोर्ट 708 जी सर जी, यही वाला पढ़ने का आप कह रहे थे जो नूर इलाही, पीएलडी 1964 सुप्रीम कोर्ट पे 708 जी। जी ओके हो गया सर जी। अब इसमें ना बड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, ये कभी मुझे लाइव लेक्चर मिला ना मैं इसको बताऊंगा आपको। ये ट्रायल केस और जो होता है दूसरा जो होता है ना चलान केस और ये जो होता है कंप्लेंट केस, इसके बारे में कि किस केस का पहले ट्रायल किया जाना है, किसको पहले सुना जाना है। ठीक है बेटा जी, जी ठीक हो गया सर। यही है जजमेंट 1966 सुप्रीम कोर्ट पे 708 समझ आ गई। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो मेन हेड्स हैं आपने इन चीजों को देख लेने के ज्वाइंट जो आपके ज्वाइंट ट्रायल ऑफ द सेट्स ऑफ द अक्यूज्ड नॉट लीगल। ठीक है,
इन बातों की, यानी कि क्या दोनों को ट्रायल सेम होगा या एक केस को रोक दिया जाएगा एक को चलाया जाएगा, तो इस ये बहुत सारे इसमें प्रिंसिपल डिस्कस हुए हैं इस नूरी लाई केस में। नूरी लाई केस को अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए काफी हेल्पिंग होगा बेटा। ओके सर जी, जज़ाकअल्लाह। बात की इसमें बेसिक अथॉरिटी यही है, अगर इसके साथ अगर आपने पढ़नी है तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन नूरी लाई एक दफा पढ़ लो, नूरी लाई ना समझ आए तो फिर मेरे से पूछ लेना। नूरी लाई में काफी सारे प्रिंसिपल, प्राइवेट कंप्लेंट और एफआईआर यानी कि चालान केस और कंप्लेंट केस की बहुत सारी बातें डिस्कस हुई। ठीक हो गया सर जी, ठीक है बेटा, इसको इंशाल्लाह हम बैठ के देख लेंगे। ठीक हो गया, जज़ाकअल्लाह सर जी, थैंक यू जी। बेटा कोई और बात नहीं, कोई बात आपने पूछनी है ये करनी है जी, चले जी आप इंशाल्लाह आफ्टर वन वीक, ठीक है, होगी हमारी क्लास इंशाल्लाह। एडवांस ईद मुबारक सर जी, जी आप सबको बेटा, चलिए ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। आपको भी ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़ बेटा, बेटा आपको भी ईद मुबारक।